एवरीवन, सो अगर आप लोग इस वीडियो तक आए हो तो इसका मतलब आप लोगों के जीवन का कोई ना कोई सोल पर्पस ज़रूर है, आपके जीवन का मकसद ज़रूर है। आप लोगों ने इस धरती पर जन्म किसी ना किसी एक खास मकसद से लिया है। ओके, सो भाई मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो, और मैं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक आप कार्ड एंड पिक योर जीओबी रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और रीडिंग का टॉपिक आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे आप लोग के सोल पर्पस के बारे में देखेंगे, आपके जीवन का मकसद क्या है। सो देखो, होता बहुत बारी ऐसा है कि हम लोग ना अपनी लाइफ में एफर्ट्स कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, हम कोई भी करियर को चूज़ कर लेते हैं ये देख के कि यहाँ पे अच्छा पैसा है, अच्छी रेपुटेशन है, लेकिन हम पूरी मेहनत करके वो अचीव भी कर लेते हैं, लेकिन कभी भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है, वो खुशी नहीं मिल पाती है, मन इधर उधर भागता रहता है, मतलब एक बेचैनी सी हमेशा रहती है। और आपको लगता है कि मैं जो करने आया हूँ, मैं जो करने आई हूँ, मैं वो नहीं कर रही हूँ। अगर इस तरीके की फीलिंग आप लोगों के अंदर है तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ का सोल पर्पस ज़रूर है। देखो, हर किसी की लाइफ का सोल पर्पस ज़रूर होता है, लेकिन कुछ लोगों का कोई एक खास ही मकसद होता है, यानी कि आप अपने लिए नहीं, आप दूसरों के लिए कुछ करने आए हो, आप इस सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, इस अर्थ के लिए आप कुछ करने आए हो। तो वही इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर देखो फिर भी यहाँ पे, क्योंकि है ये जनरल रीडिंग, लेकिन अगर फिर भी ऐसे होता है कि आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिलता है, तो आप लोग भाई प्लीज़ यहाँ पे जैसे जैसे आप अपना हीलिंग वर्क करोगे, और ख़ास तौर पे आप जब भी ध्यान करें, आप मंत्र चैंटिंग करें, आप ये प्रेयर भगवान जी से ज़रूर करें कि मैं अपने सोल पर्पस को जानने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे क्लियर करिए, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरा सोल पर्पस क्या है, ताकि जिस भी मकसद से मैंने ये जन्म लिया है वो सफल हो सके, मुझे खुशी मिल सके, मुझे वो सेटिस्फेक्शन मिल सके, मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए। इस तरीके से आप अपनी प्रेयर को ज़रूर करना। अगर पूरे मन से, सच्चे दिल से अगर आप प्रेयर करोगे तो डेफिनेटली कुछ ही दिनों में आपको आपका सोल पर्पस भी रिवील हो जाएगा। लेकिन सोल पर्पस को जानना ना एक काफ़ी, अगर मैं बात करूँ तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, क्योंकि लोगों को अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से ही कभी कभी फुर्सत नहीं मिल पाती है। तो अगर ऐसे में आपका सोल पर्पस है कि आपको दूसरों के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए काफ़ी स्ट्रांग बनना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, तो आपको सबके लिए तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, सो अभी रीडिंग के लिए बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे सर्कल ऑफ इटर्नल जॉय, साथ में मैंने डीओबी भी रखी है अगर आप लोग चूज़ नहीं कर पा रहे हो तो। ठीक है, पहली कोशिश करना कि आप लोग कार्ड से ही अपनी इंट्यूशन से चूज़ कर लो और ये डीओबी नहीं देखना, लेकिन फिर भी अगर आप चूज़ नहीं कर पाते हो तो फिर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है इसमें से आप उसको चूज़ कर सकते हो और आपकी रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे अर्थ मैजिक एंड साथ में है यहाँ पे ये इवन नंबर डीओबी। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिश करना है कि आप इंट्यूशन से ही चूज़ कर लो, आराम से अपनी आंखें बंद करना, डीप ब्रीदिंग करना, भगवान जी से प्रे करना कि मुझे गाइडेंस दीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे जानना है, मैं जानने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद जो भी कार्ड आपको अगर अट्रैक्ट कर रहा हो तो आप चूज़ कर सकते हो, नहीं तो डीओबी से जा सकते हो। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, जैसे मैंने कहा कि फिर भी ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं भी करे, सो आप एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और डेली बेसिस पे प्रेयर ज़रूर करिएगा कि आप अपने सोल पर्पस को जानना चाहते हो। ठीक है, तो अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, सो अगर आप लोगों ने सर्कल ऑफ इटर्नल जॉय का कार्ड चूज़ किया है या फिर आपके डीओबी इन ऑड नंबर्स में से कोई एक है, सो देख लेते हैं आप लोगों के जीवन का मकसद क्या है, उस दुनिया में आप क्या करने आए हो, क्यों आए हो, क्या कुछ है यहाँ पे। ओके, सो ये कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं। ये कुछ कार्ड मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाले हुए हैं और इन्हें मैं बाद में देखूंगी, तब तक यहाँ पे रख देते हैं। एंड सबसे पहले शफल करते हैं टैरो से ऑप्शन फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, डेथ एंड रीबर्थ। नाइन ऑफ कप्स, ठीक
मून्स, नाइट ऑफ पेंचिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंचिकल्स। एक और ऐसे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर बताते हैं, ठीक है? फिर करते हैं, यहाँ से और देख लेती हूँ। राइटिंग, फ्रीडम, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, स्टडिंग, ऑरेकल कार्ड्स। ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट, अगर बात करूं कि आप लोग का सोल पर्पस क्या है, काफी टाइम से परेशान हो, है ना, वो एक जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ऊपर से अपनी लाइफ को लेके ना बहुत सारी प्लानिंग्स बनाते हो कि मैं ऐसे काम को करूंगी, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगी, लेकिन कुछ भी चीज़ें जो हैं वो आपके अकॉर्डिंग होती नहीं है। कुछ लोगों को तो यहाँ पे ऐसे लगता होगा भगवान जी को मुझसे कोई दुश्मनी है, कि हमेशा मैं जैसे चाहता हूँ, मैं जैसे सोचता हूँ, काम बिल्कुल अपोजिट होता है ना। कुछ लोगों के अंदर थोड़ा सा ट्रस्ट भगवान जी के लिए मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा डाउट मन में आ रहा है, पहले बहुत था, लेकिन अभी बीच में जो भी चीज़ें जिस तरीके से भी आपके साथ रह रही है ना, डाउट मन में आ जाता है कि खुशियाँ मेरे लिए बनी है या नहीं बनी है, या इसी तरीके से मेरी लाइफ चलती रहेगी, इसी तरीके से मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिलती रहेगी, बार बार लोग मेरे साथ धोखा करके जाएंगे, कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे मैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के साथ देख रही हूँ। आपको पता है, अगर किसी भी इंसान को अपने सोल पर्पस को जानना है, तो उससे सबसे पहले अपने लाइफ के पैटर्न को समझना चाहिए, कि बहुत बारी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने अभी तक देखा है, कि लोगों का सोल पर्पस वही होता है जिस प्रॉब्लम से वो लोग सबसे ज़्यादा डील कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई फिजिकल इलनेस है आप लोगों को, कोई भी बीमारी है, तो जैसे जैसे आप उसके लिए क्योर करते हो, जैसे जैसे आप उसके लिए काम करते हो, जो सारी चीज़ें आप उस प्रोसेस में सीखते हो, समझते हो, वही कहीं ना कहीं फिर आप लोगों को मैसेज होता है कि अभी इसको दूसरे लोगों को भी सिखाओ, जिससे दूसरे लोगों का भी जो दुख है वो दूर हो, उनकी तकलीफ़ दूर हो, उनको गाइडेंस मिले। जैसे किसी रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम है, आप उसे हील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं फिर दूसरे लोगों के रिश्ते को हील करना सिखाओ। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे बेसिकली मैसेज ये है भगवान जी की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, कि जो भी आपका सोल पर्पस है ना, आप उसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, बार बारी बार बारी बार बारी वही प्रॉब्लम आप लोगों की लाइफ के सामने आ रही है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके फेलियर हो, चाहे वो आपका करियर सेटल नहीं हो पा रहा। तो आप में से कुछ लोग मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, जैसे करियर में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं पॉसिबिलिटीज़ बता के चलूंगी आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है रिलेशनशिप को लेकर, तो कहीं ना कहीं रिश्ते को हील करना सीखना कैसे करना है, उसके साथ साथ इनर वर्क और फिर उसको सिखाना। करियर को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले अपने लिए सही करियर चूज करना, एंड आई डोंट नो, यहाँ पे कुछ जैसे करियर काउंसलिंग, कुछ ग्रूमिंग, कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, दूसरे लोगों को सिखाना, कुछ इस तरीके से मैसेज देना। अगर आपको बार बार ही लोग हर्ट करके चले जाते हैं, चीट करके चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सेल्फ लव की कमी है। तो खुद से प्यार करना पहले सीखना और फिर उसे समझाना। अगर कोई इलनेस है, कोई बीमारी है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज से कहीं ना कहीं आप लोग डील कर रहे हो, तो पहले उसको हील करना, जो भी हेल्थ इशू है, अच्छी डाइट के थ्रू, योगा करना है, कुछ भी एक्यूप्रेशर, आई डोंट नो, मुझे एक्यूप्रेशर सुनाई दिया, कुछ लोग शायद करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, डेफिनेटली ज़रूर जाइएगा, और फिर उसी चीज़ को दूसरे लोगों को समझाना। नो मैटर कि आप प्रोफेशनली, आपका प्रोफेशन क्या है, लेकिन एक सोल पर्पस जो है वो आप लोगों का जो है वो इसी तरीके से जो है वो पूरा करना है, क्योंकि लिमोन की भी यहाँ पे एनर्जी है, बहुत सारा कन्फ्यूज़न है यहाँ पे। आप लोग बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो कि आप अपना सोल पर्पस ढूंढ पाओ और नहीं हो पा रहा है ना। कभी आपको लगता है ये है आपका सोल पर्पस, कभी आपको लगता है ये है आपका सोल पर्पस। क्लियरली यहाँ पे जो मैसेज है वो यही है कि जिस प्रॉब्लम से आप लोग करेंटली डील कर रहे हो, उसी से हील करके आगे बढ़ना, जो भी चीज़ें आपने सीखनी है, समझनी है, फिर उनको समझाना, मतलब उनको ही एग्जीक्यूट करना, ये आप लोगों का सोल पर्पस कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है। साथ में कुछ लोग, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अगर आप लोग चाहो तो अकल साइंस में आ सकते हो, ठीक है? अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपके करियर बताऊँ, अकल साइंस में आ सकते हो। कुछ लोगों का यहाँ पे पर्पस ये है कि आप लोग बिजनेस करोगे, बिजनेस करोगे, आपकी लाइफ में पैसा बहुत अच्छा आएगा, तो कहीं ना कहीं पैसे के थ्रू चैरिटी वर्क करना, डोनेशंस करना, जो भी या ना जिन लोगों को नीड है, उन लोगों को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना, कपड़े क्लॉथ्स मुझे नज़र आ रहा है, आई डोंट नो, कपड़ों से लेके कुछ यहाँ पे हो सकता है।
कुछ इस तरीके से आप लोग का सोल पर्पस यहाँ पे नजर आ रहा है। जो भी कुछ करोगे अपने दम पे करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर मैं बात करूँ आप लोग का सोल पर्पस जो आप पूरा करना चाहते हो, क्योंकि पहले आपको अपनी लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी जो है वो लेकर आनी पड़ेगी। आपकी जीवन की जो सबसे बड़ी कमी है, आपका जो सबसे बड़ा अगर बात करूँ दुख है, तकलीफ है, उसके ऊपर आप लोगों को काम करना पड़ेगा। उससे उभरिए, उससे निकलिए और काम करिए। कुछ लोग यहाँ पे अपने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के ऊपर, अपनी ज़िंदगी से आपने जो भी चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं, आप उनके ऊपर अपनी लिख सकते हो, अपनी कहानी टाइप, अपना बायोग्राफी टाइप आप लोग लिख सकते हो। या कुछ लोग जैसे आप लोग के अंदर अगर ये क्वालिटी अच्छी है कि आप लोग चीज़ों को लिख लेते हो, आप लोग अपने इमोशंस को अपने आप अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हो, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप लिखना शुरू करें। आप कुछ थोड़ा थोड़ा कहीं लिख कर कुछ भी डाल दिया, ऑनलाइन आपने किसी प्लेटफॉर्म पर डाल दिया, अपनी फीलिंग्स को आपने कुछ एक्सप्रेस कर दिया, तो वो चीज़ यहाँ पर जो है वो नज़र आ रही है। क्रिएटिव एक्सप्रेशन का कार्ड है, डेफिनेटली कुछ क्रिएटिव आप लोगों को करना है। जो भी सोल पर्पस आप लोगों का रहेगा क्रिएटिवली ही वहां पे आपको काम करना है। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने लोअर चक्रास को एक्टिवेट करें, रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, क्योंकि जो आपके हायर चक्रास है ना उनको तो आप कर ही लोगे, लेकिन लोअर चक्रास के ऊपर भी ध्यान देना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टडी का यहाँ पे कार्ड आया है और मैसेज मिल रहा है कि और ज्यादा पढ़ाई करो, डीप नॉलेज गेन करो, जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट है, जिस भी चीज के लिए आप जानना चाहते हो, वहां पे मुझे हायर स्टडी मुझे सुनाई दे रहा है, तो उसकी तरफ आप लोगों को यहाँ पे जाना चाहिए। ओरिकल कार्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पे, तो अगर कुछ लोग रीडिंग्स वगैरह में इंटरेस्टेड हैं, आप लोग रीडिंग्स करना चाहते हो, या फिर से आप अकल साइंस में आना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली आ सकते हो। डिविनेशन वगैरह अगर आप लोग का मन है, पता नहीं न्यूमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, मुझे ये सब वर्ड्स पे सुनाई दे रहे हैं, अगर आप कोई भी इस तरीके से किसी भी स्ट्रीम के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, आप डेफिनेटली कर सकते हो। फ्रीडम का यहाँ पे, आज़ादी का यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है। आप किसी भी काम को ब्यूटीफुली तब कर पाओगे जब आप उसे फ्रीडम के साथ करोगे, जब आप उसे अपने अकॉर्डिंग करोगे। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि दूसरों पर भरोसा ना करके अपने ऊपर भरोसा करें, अपने आप से प्यार करें, अपना ख्याल रखें और अपने सोल पर्पस के लिए यहाँ पे आप लोग काम करें। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से क्या मैसेज आते हैं। सेटिंग बाउंड्रीज, थ्रेशोल्ड, प्रोटेक्शन एंड ऑनर, हीलिंग द हर्ट, पावर ऑफ सेल्फ लव। यस, ठीक है। ड्यूअलिटी, मैनी मीनिंग्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, सेंशुअलिटी, फेमिनिन विजडम, पैशन। यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी बहुत हाई है। आप लोग नो मैटर, आप लोग मेल इस रीडिंग को देख रहे हैं, फीमेल इस रीडिंग को देख रही हैं, लेकिन आप लोग के अंदर ना फेमिनिन एनर्जी बहुत है। वो क्रिएट करना, वो एक्सप्रेस करना, वो चीज़ों को संभालना, चीज़ों को क्रिएट करना, चीज़ों को जोड़ कर चलना, चीज़ों को बना कर चलना, दूसरों के लिए मन में एक सिंपैथी होना, एक इमोशन आप लोगों के अंदर बहुत स्ट्रांग होंगे। किसी का भी दुख, दर्द, तकलीफ आप लोगों से नहीं देखा जाता होगा। यहाँ पे बहुत सारे टफ एक्सपीरियंसेस आप लोगों की लाइफ में रहे हैं, नो डाउट, ऑप्शन फर्स्ट। मतलब अगर आप दूसरे लोगों को भी अपनी कहानी सुनाओगे ना, तो मतलब आप लोग जनरली पसंद नहीं करते होंगे अपने आप को किसी के साथ एक्सप्रेस करना, लेकिन बहुत टफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं क्लियरली इन कार्ड्स के साथ। मुझे यहाँ पे यही चैनल हो रहा है। अगर बात करूँ आप लोगों का सोल पर्पस क्या है, सेल्फ लव। सेल्फ लव मतलब मेन, एक कहता है ना जैसे किसी भी रेसिपी में, किसी भी डिश में एक मेन इंग्रेडिएंट होता है, तो यहाँ पे सेल्फ लव आप लोगों की लाइफ का एक मेन फैक्टर रहने वाला है। जब तक आप खुद से प्यार करना नहीं सीखोगे, अपने हार्ट चक्रा को हील नहीं करोगे, तब तक आपकी लाइफ ना बिखरी बिखरी सी ही पड़ी रहेगी। तब तक वो चीज़ें जो आप उनको जिस तरीके से सेट करना चाहते हो वो नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोग जानना चाहते हो कि आपको अपनी इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से करनी है, तो वो सेल्फ लव से करनी है। साथ में मैसेज ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग का एक ही पर्पस हो, कि एक ही काम आप लोगों को करके आगे जाना है। यहाँ पे कुछ लोग के 2, 3, 4 और भी पर्पस हो सकते हैं जो कि आपको निभाने हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपका एक पर्पस जो दुनिया के लिए है वो तो है, लेकिन आपकी एक जो मेन फैक्टर रहेगा वो है आपकी फैमिली
आपके जो अपने हैं, आपके जो रिश्ते हैं जो आपको दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी यहाँ पे आपको इस जन्म में, इस बर्थ में हील करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वो आपका अपना कुछ कार्मिक रहा हो। तो यहाँ पे कार्मिक हीलिंग भी है आप लोगों के लिए, पास्ट लाइफ हीलिंग भी है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, तो वो भी यहाँ पे आप लोगों को करनी पड़ेगी। सेटिंग बाउंड्रीज का यहाँ पे कार्ड है, तो ये कहा जा रहा है कि जब भी आप अपने सोल पर्पज़ को पूरा करो, तो देखो हर किसी की एक लिमिट होती है। अभी मैं भी हीलर हूँ, लेकिन मेरी भी एक लिमिट है कि मैं इस लिमिट तक लोगों को हील कर सकती हूँ, मैं गाइड कर सकती हूँ। लेकिन लोग तो बहुत आते हैं ना, बहुत आते हैं, लेकिन ये एक मेरी लिमिट है कि मैं नहीं कर पाती, चाहते हुए भी नहीं कर पाती। आप लोगों के मैसेजेस भी आते हैं बहुत सारे लोगों के। सो यहाँ पे देखो मैसेज ये है कि तुम्हें अपनी लिमिट सेट करनी पड़ेगी, कि तुम्हारे अंदर कितनी एनर्जी है, तुम्हारी कितनी कैपेसिटी है, तो उसके हिसाब से आप लोग खुद को हील करिएगा। सेंशुअलिटी का यहाँ पे कार्ड है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुझे आप लोग यहाँ पे नजर आ रहे हो। जस्ट ये कहा जा रहा है कि अपने लिए जीना सीखो। पता नहीं, क्लियरली आप इस लाइन को कहीं पे अपने लिए लिख लीजिएगा कि अपने लिए जीना सीखो, अपनी अपनी ज़रूरतों को, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी खुशी को हमेशा अगर आप लोग मार देते हो ना, तो वो बहुत गलत है। अपने पैशन को फॉलो करो, आपका दिल क्या चाहता है। कभी कभी हम उलझ जाते हैं कि सोसाइटी की नज़रों से सही ये है, लेकिन हमारी नज़रों से हमारा दिल ये करने को कह रहा है। अब कभी कभी ऐसी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो तुम्हारा दिल कह रहा है, जो तुम्हारा दिल चाहता है ना, उसे सुनो, उसे फॉलो करो, आगे बढ़ो। अपने अंदर वो पैशन को यहाँ पे कहा जा रहा है कि जगाने की ज़रूरत है आप लोगों को। यस, अच्छा इस टाइप से बाद में देखूंगी, पहले यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। फिफ्थ चक्र, वही यहाँ पे तो सारे ही चक्रास आ रहे हैं। इनडिसिजन, एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज। ओके, सो मैंने लास्ट रीडिंग में शायद ये प्रॉमिस किया था कि ये रीडिंग मैं करूँगी सोल पर्पस वाली, और मैसेज क्यों। ओके, सो यहाँ पे आप लोग के लिए कार्ड आया है फिफ्थ चक्र, एडजस्टिंग पॉसिबिलिटी एंड इनडिसिजन। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पे अगर बात करूँ, आप लोगों को अपने चक्रास के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड जैसे मैंने कहा कि जर्नी की शुरुआत तो लोअर चक्रास से हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्रिएटिव एक्सप्रेशन का भी कार्ड है। खुद को एक्सप्रेस करना, खुद को बोलकर सुनाना, अपनी कहानी मुंह जुबानी कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए सुनाई दे रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे उन्हें क्या बोलते हैं, मुझे वो नेम याद नहीं आ रहा, स्टैंड अप कॉमेडियन टाइप कुछ होता है ना, अपनी वो पोइट्री सुना रहे हैं, अपनी वो कहानी सुना रहे हैं, अपने वो एक्सपीरियंस सुना रहे हैं, कुछ पॉडकास्ट टाइप, पता नहीं क्यों कुछ मुझे उस तरीके से आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। आप इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे, या फिर आप आगे जाके बनो, इस फील्ड में आओ किसी तरीके से, तो वो चीज़ यहाँ पे है। एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ का यहाँ पे कार्ड है। जैसे मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही पर्पस हो आप लोगों का, आपकी ज़िंदगी का, यहाँ पे काफ़ी सारी मल्टीपल चीज़ें आप लोगों के लिए रह सकती हैं। ऑप्शंस हमेशा आपके सामने रहेंगे, डिसाइड आपने करना है कि पहले आप क्या करना चाहते हो, लेकिन इस बीच में अपना ख्याल जो है वो ज़रूर रखना है। इनडिसीजन का यहाँ पे कार्ड आया है आप लोगों के लिए। देखो कुछ तो यहाँ पे ऐसा है, कुछ सेक्रीफाइस टाइप पता नहीं क्या है, कुछ तो यहाँ पे ऐसा है जो आप लोगों को करना पड़ेगा। कुछ अपने अंदर भी यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, पता नहीं अपने कंफर्ट को छोड़ना पड़ेगा, या फिर जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमने एक प्रोफेशन चूज़ किया है ना, हमने उसके लिए बहुत मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी, लेकिन फिर हमें क्या होता है, अपना सोल पर्पस पता चल जाता है कि हमारा सोल पर्पस ये है और अभी हमें आगे ये करना है। कभी कभी हम फंस जाते हैं कि अब इसे कम्प्लीटली छोड़ दें, मतलब इतनी मेहनत करी थी, इतना सब कुछ किया था, अब इसे छोड़ दें, वो एक बहुत ही टफ डिसीजन रहता है, और मैं भी गुजरी हूँ उससे कभी, तो मुझे पता है। लेकिन डिसीजन आप लोगों को लेना पड़ेगा और वो कम्प्लीटली आपका डिसीजन होगा, ठीक है। ट्रस्ट योर पाथ, इफ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड, वॉट वुड यू डू। ओके, लीप, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे ट्रस्ट योर पाथ का कार्ड आया है। मैसेज ये है कि जो पाथ आप लोगों के लिए डिस्टाइन है ना, उसके ऊपर भरोसा करें, अपनी डिस्टाइन जर्नी के ऊपर आप लोग भरोसा करें।
जो आपकी किस्मत है ना, जो आप मतलब लिखवा कर आए हो, वो आपको मिल ही जाएगा, आपका पर्पस आपको मिल ही जाएगा। किसी भी तरीके की अपने मन में ना अगर डाउट्स हैं तो उनको निकाल दो। परेशानियां आती हैं ना, वो किसी रीज़न से ही आती हैं। जो कुछ भी होता है ना, किसी रीज़न से ही होता है। कोइंसिडेंस मुझे नहीं लगता कि कुछ होता है। लीप का यहाँ पे कार्ड है, यू गो फर्स्ट यू द यूनिवर्स विल कैच यू। तो मतलब बस ये है कि तुम आगे बढ़ो, अपना सोल पर्पज़ पता करो। तुम इतना सा आगे बढ़ो कि तुम्हें इतना सारा सपोर्ट तुम्हारे एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मिलेगा। सो ऑप्शन टू, यहाँ पे बस आगे आप लोगों को बढ़ना है, वो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर लेना है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद होती चली जाएंगी, रास्ते मिलते चले जाएंगे, कड़ियाँ जुड़ती चली चली जाएंगी और सब कुछ होगा। बस थोड़ा सा प्रेयर करना है, सेल्फ लव से यहाँ पे शुरुआत करना है, अपना यहाँ पे ख्याल रखना है। इन केस अगर कोई हेल्थ इशू है, अपनी हीलिंग के ऊपर आप लोगों को पहले ध्यान देना है। पहले जो आपकी खुद की प्रॉब्लम है अपनी लाइफ में, उसको किस तरीके से आप सॉर्ट कर सकते हो, उसको किस तरीके से हील कर सकते हो, ये देखना है। धीरे 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 आप दूसरों को भी हील करने लगोगे, या दूसरों की हेल्प, जो भी आपका पर्पस है, आप उससे खुद पर खुद कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, फिलहाल जो रास्ता दिखाया जा रहा है उस पर आगे बढ़ो। रिसेप्टिविटी, अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर्स अनडाइंग लव। कार्ड्स निकाल लूँ। मदर अर्थ, फोकस्ड एंड टेंशन। ओके, सो यहाँ पर रिसेप्टिविटी का कार्ड है आप लोगों के लिए, और मैसेज ये है कि थोड़ा सा रिसेप्टिव आप लोगों को फ़िलहाल यहाँ पर रहना पड़ेगा। देखो, यूनिवर्सल जो एनर्जीज है ना, वो आपकी हेल्प कर रही हैं। आप गाइडेंस मांग रहे हो, आपको गाइडेंस मिल रही है। यस, मिल रही है ना। तो बस यहाँ पे ऐसा है कि फिर भी आप डिमोटिवेट हो जाते हो, फिर भी आप परेशान हो जाते हो, फिर भी आप डाउट करने लग जाते हो, फिर भी आप रोते हो। तो ये सब जो है वो नहीं करना है। आप लोग कहीं ना कहीं इस दुनिया को एक प्यार का मैसेज देने आए हो किसी तरीके से। एक कभी कभी जब कोई इंसान अपना बिना कोई अपना बिल्कुल निस्वार्थ भाव से कोई इंसान किसी के लिए कुछ कर रहा है, किसी को कुछ दे रहा है, आप एक मैसेज यहाँ पे अपने साथ लाए हो जो आप शेयर करने आए हो। बहुत प्यार होगा आप लोगों के दिल में, नेचर के लिए, फ्लास्क मतलब हर चीज़ के लिए, मदर अर्थ से रिलेटेड जो भी है, हर एक इंसान के लिए, इंसान या मैं थिंक कहूँ, एक लिविंग थिंक कहूँ, है ना, सबके लिए दिल में एक प्यार है, सिंपैथी है, कंपैशन है। और फिर आपको लगता है मुझे प्यार नहीं मिलता है, आपको प्यार मिलता है रिटर्न में। अगर आप फील करो तो ये नेचर से आपको प्यार मिलता है। कभी आप नेचर में वॉक करके देखना, ऐसा लगेगा ट्रीज़ आपसे बात कर रहा है। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों कह रही हूँ, ट्रीज़ आपसे बात कर रहे हैं, बहती हवा जैसे आपसे कुछ कह रही है। बहुत ही ये मतलब जैसे सॉन्ग्स में सुनाया जाता है, पोइट्री में कुछ वैसा साउंड कर रहा है, लेकिन ये एग्जैक्टली ऐसा ही है। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के साथ, आप बस सुन नहीं पाते हो क्योंकि आपके मन में कुछ ना कुछ कचर पचर चल रही होती है। अपने मन को शांत करोगे जब आप फील करोगे नेचर को, मदर अर्थ को, यूनिवर्सल एनर्जीज को, आपको बहुत कुछ फील होगा। आपको पता चलेगा कि मदर अर्थ की तरफ से आप लोगों के लिए कितना सारा प्यार एक तरीके से आ रहा है, वो हीलिंग आ रही है। लेकिन वो रिसेप्टिव आप लोगों को होना पड़ेगा। रिसेप्टिव तभी होंगे जब आप थोड़ा सा समझेंगे। फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। फिलहाल जो भी प्रॉब्लम आप लोगों की लाइफ में चल रही है, जैसे कुछ हेल्थ रिलेटेड इशूज से आप डील कर रहे हो या कुछ भी है, जैसे मैंने कहा ना, जो प्रॉब्लम है वही सोल पर्पस जाएगा आप लोगों का, उसको हील करने के लिए थोड़ा सा फोकस्ड रहना पड़ेगा। वो मतलब एक होता है ना कि कमिटमेंट कर लेना कि मुझे अभी इसको हील कर कर ही रहना है, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, है ना। जैसे मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, अब मुझे वेट लॉस करके रहना है, तो उसमें कितना ज़्यादा मतलब एक विल पावर लगती है ना, कितना ज़्यादा वो एक मन को बनाना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन रिजल्ट भी कितना अच्छा होता है। तो बस कुछ वैसा ही समझ लीजिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, कि आप लोगों के साथ भी कुछ वैसा ही है। ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को गाइडेंस मिली होगी, अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। आप लोगों को अगर मैं क्रिस्टल भी सजेस्ट करूँ, क्योंकि आपको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग रेड जेस्पर, सी मैंने आज वेयर भी करा हुआ है, रेड जेस्पर और सोडा लाइट, ठीक है, ये दोनों आपके लिए अच्छे रहेंगे। रेड जेस्पर एंड सोडा लाइट आप इन दोनों को वेयर कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपके सोल पर्पस से कनेक्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज करेंगे, आप खुद को और ज़्यादा ब्यूटिफुली एक्सप्रेस कर पाओगे। और अगर आप लोग 7 चक्रा मेडिटेशन कर रहे हो, अपने चक्रास को हील कर रहे हो, चक्रास के ऊपर वर्क कर रहे हो, आप पर्टिकुलर चाहो तो हर एक चक्रा के लिए अलग अलग क्रिस्टल को ले सकते हो, या फिर अगर आप एक ही चाहते हो तो आप 7 चक्रा जैसे ये ब्रेसलेट रहता है, आप लोग इसको भी वेयर कर सकते हो। इसमें सोडा लाइट भी है, रेड जेस्पर भी है,
ठीक है, लेकिन ऑफकोर्स अलग अलग वेयर करते हो तो एनर्जीज थोड़ी सी ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। तो ये है आप लोगों की रीडिंग, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा ऑप्शन फर्स्ट कैसी लगी आप लोगों को। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने ये अर्थ मैजिक का कार्ड चूज़ किया है या फिर आपकी DOP ये इवन नंबर्स में से कोई एक है, सो देख लेते हैं कि आप लोग इस दुनिया में क्यों आए हो, आपका सोल पर्पस क्या है, जीवन का क्या मकसद है। रीडिंग देखने से पहले आप एक बार ही इंट्रो को भी सुन लेना, आपको थोड़ा सा रीडिंग को समझने में हेल्प मिलेगी। अगर आप लोगों ने नहीं सुना हो इन केस, तो ये कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं। एंड ये कार्ड जो है मैंने कुछ ओके सो यहाँ पे 5 कार्ड आए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए मैंने 4 ही लिए थे, इनको हम अभी बाद में देखेंगे। तो पहले मैं कुछ थोड़े से यहाँ पे टैरो की तरफ से कार्ड्स निकाल लूँ और फिर इनको देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन टू। यहाँ पे फर्स्ट है एम्परर का कार्ड, और आप लोगों का जब मैं शफल भी कर रही हूँ ना, एनर्जीज बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही पावरफुल, जैसे किसी से डर नहीं लगता, एकदम फियरलेस यहाँ पे एनर्जी है। यस, कॉन्फिडेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, मैं बताती हूँ, 9 ऑफ सोर्ड्स। Ace of Swords, 2 of Swords, 9 of Cups and Death and Rebirth, 4 of Swords। ठीक है, सो ऑप्शन टू अगर बात करूँ कि आपका सोल पर्पस क्या है, सो मैं यहाँ पे थोड़े से कार्ड्स और निकाल लूँ, है ना, फिर बताती हूँ। बट आप लोग बहुत पावरफुल हो भाई, अथॉरिटी, चीज़ों को संभालना, चीज़ों को मैनेज करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी होंगी आप लोगों के ऊपर, कहीं ना कहीं उनको निभाना। चलो यहाँ से कार्ड्स निकाल लेते हैं। ऑप्शन टू, एनर्जी हीलिंग, फैमिली, एग्जैक्टली, सपोर्ट, क्रिस्टल्स, चिल्ड्रन एंड फैमिली, दोनों ही है यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ तो भाई, अगर बात करूँ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका डिसीज़न था कि मैं थोड़ा सा बताऊँ बैकग्राउंड से, तो आप लोग की सोल किस तरीके की है ना, कि उससे थोड़ा अकेला रहना पसंद है। अकेला मतलब अपने हिसाब से चीज़ों को करना, अपने मन मुताबिक चलना, ज़्यादा दूसरों से डिसीजन डिसाइड नहीं करना, डिस्कस नहीं करना। मतलब आप बहुत ज़्यादा, एक आपकी सोल जो है वो कहीं ना कहीं पिछले जो जन्म होंगे उनमें हो सकता है, या तो आप लोग अकेले रहे हों, या एक एक साधु, एक सन्यासी की तरीके से आप लोग कहीं ना कहीं रहे हों, तो फैमिली को थोड़ा सा आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है ऑप्शन टू। लेकिन ये आपका ही डिसीजन था कि आपके पास फैमिली हो, अच्छी खासी बड़ी फैमिली हो, या यू नो मेंबर्स हों, सब लोग हो, हंसी खुशी चीज़ों को रहें, तो आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आती है। कभी कभी आप लोगों का मन, मुझे बताइएगा, ऑप्शन टू अभी भी करता होगा कि भाई चलो सब कुछ छोड़ छाड़ के चलते हैं, कुछ शादी नहीं करनी है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ईश्वर में ध्यान लगाना है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं घिर जाऊँगा, मैं बंधन में बंध जाऊँगा, मैं बाउंड हो जाऊँगा, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके मन में आती होंगी। लेकिन फैमिली लाइफ आप ही लोगों ने चूज़ करी थी, तो थोड़ी सी लिटिल बिट यहाँ पर परेशानियाँ आती हैं। सबसे पहला आपका जो एक मकसद है, देखो हर किसी का मकसद ये नहीं है कि वो आप लोगों का, बस मैं आप लोगों के अगर सोल पर्पस की बात करूँ तो फैमिली को लेकर चलना है। पहला पर्पस तो आप लोगों का ये है, अपनी फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखना है, उनको समझना है। हो सकता है कि इसी वजह से आप लोगों के ऊपर जल्दी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हों आपके घर की, या आपके पेरेंट्स में से कोई एक थोड़ा सा बीमार रहता हो तो उनका भी आपको ख्याल रखना पड़ता हो। तो कुछ कुछ यहाँ पे ऐसा मैं देख रही हूँ ऑप्शन टू कि आप लोगों के साथ होगा, ना चाहते हुए भी आपके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती होगी। आप लोग, हो सकता है अपने भाई बहनों में भी आप ही एल्डर हों, आप ही बड़े हों, या छोटे भी होंगे तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही लोगों के ऊपर रहती होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें पहले तो मुझे नज़र आ रही हैं, और आप लोग सोचते होंगे कि ये सब तो मेरे ऊपर
जिम्मेदारियां हैं, मैं इनके साथ अपना सोल पर्पस कैसे पूरा करूंगा या कैसे पूरा करूंगी। लेकिन यही यहाँ पे आप लोगों का टास्क है कि इसी के साथ रहकर ही आप लोगों को अपना सोल पर्पस जो है वो पूरा करना है। आप लोग हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनो डायरेक्टली, आप लोग किसी के लिए नहीं। जैसे कि एक होता है कि हम डायरेक्टली कुछ कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली लाइमलाइट में आ रहे हैं, दूसरे लोगों को हील कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, और एक होता है कि हम पीछे से कुछ लोगों को अपनी टीम तैयार कर रहे हैं, हम लोगों को तैयार कर रहे हैं। वैसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है, जैसे आपके बच्चों की परवरिश करना, उनमें अच्छे, जैसे कहते हैं ना कि वो संस्कार डालना, उनको अच्छा अपने मुकाम पर पहुँचाना, और हो सकता है कि ये भी आपका एक पर्पस हो। कुछ कुछ ग्रेट सोल्स आपके बच्चों के रूप में आपकी लाइफ में आए, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, मुझे पर्टिकुलरली सुनाई दे रहा है। और जैसे होता है ना कि पूरी फैमिली के साथ मिलकर ही फिर आप अपने सोल पर्पस को पूरा कर रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। लेकिन सबसे पहले अपनी फैमिली लाइन को हील करना पड़ेगा अपनी। कुछ लोगों को यहाँ पे हो सकता है कि एंसेस्ट्रल भी कुछ प्रॉब्लम रहती हो, पितृदोष टाइप, या फिर एंसेस्ट्रल हीलिंग की यहाँ पे आप लोगों को ज़रूरत हो, तो पहले वो चीज़ें यहाँ पे आपको करनी पड़ेंगी, फिर आप लोग यहाँ पे किसी तरीके से काम करोगे। पूरी फैमिली के साथ मिलकर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप लोग पूरी फैमिली एक साथ मिलकर, जैसे कुछ सोशल वर्क कर रहे हो, आप लोग एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, आप लोग हीलिंग के लिए लोगों को अवेयर कर रहे हो, कुछ कुछ वैसा। कि यहाँ पे एनर्जी हीलिंग का कार्ड आया है किसी तरीके से। कुछ फैमिली मैटर्स यहाँ पे हैं ऑफ कोर्स, ऑप्शन टू, उनको पहले सॉर्ट करना है और उसके बाद आप अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ सकते हो। क्रिस्टल्स का भी यहाँ पे कार्ड है, तो क्रिस्टल्स आप लोग के लिए हो सकता है बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करें। आपको क्रिस्टल्स में इंटरेस्ट है, आपको क्रिस्टल्स लेने का मन करता है, डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने लिए क्रिस्टल्स लीजिए, अपनी हीलिंग करिए। अगर फैमिली में कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही हैं, आप लोगों को मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि क्लियर क्वार्ट्स, पता नहीं क्लियर क्वार्ट्स, एमेथिस्ट एंड रोज क्वार्ट्स, ये तीनों का कॉम्बिनेशन आप लोगों को अपने लिए रखना है। मैं दिखाऊं, ये है रोज क्वार्ट्स, ये है एमेथिस्ट एंड क्लियर क्वार्ट्स, कहाँ गया मेरा? ओके, सो अभी था मेरे पास, मैं दिखा दूंगी, वेट वेट वेट, ये रहा। सो ये है क्लियर क्वार्ट्स, ठीक है। आप लोगों के लिए तीनों ही क्रिस्टल, आप चाहे ब्रेसलेट फॉर्म में पहने, चाहे आप स्टोन्स के फॉर्म में रखें, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। आप इन तीनों को यूज़ करिए, इनसे अपनी हीलिंग को शुरू करिए, धीरे धीरे आप इसमें अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ से देखते हैं, कार्ड्स मैंने पहले से निकाल कर रखे थे कि क्या है आपका सोल पर्पस। फ्रेंडशिप, सपोर्ट, अगेन यहाँ पे सपोर्ट का मैसेज है, फन, यूनिटी, प्ले, ग्रेटफुल, ऑप्टिमिज्म, जॉयस व्यू ऑफ द फ्यूचर, सेक्रेट ग्रेटिट्यूड, रिवरेंट अप्रिसिएशन, प्रेयर, सेक्रेट एक्शन, सेक्रेट, ओके, डिसाइसिव फोकस एंड विजडम। ऑप्शन टू, आपकी फ्रेंडशिप, आपकी फैमिली, आपके अपने आप लोग के लिए इस लाइफ टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत ज़रूरी रहेंगे। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कभी भी भागने की कोशिश करोगे, आप भाग नहीं पाओगे और उतनी ही मुश्किलें आप लोगों की लाइफ में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए कहा जा रहा है कि आगे बढ़ना है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमेशा खुश रहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा कि आपके पास आके कोई भी दुखी हो रहा है, कोई भी परेशान हो रहा है ना। और आपको लगता होगा कि हर किसी को हील करना, हर किसी को समझाना, जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सी हो जाती है ना। आप ना चाहते हुए भी फंस जाते होंगे, मैं समझ रही हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ पे पॉजिटिव रहना है भाई, अपना ख्याल रखना है, अपनी खुशियों का भी ख्याल रखना है, ग्रेटफुल रहना है अपनी लाइफ में जो भी कुछ आपके पास है, और दूसरे लोगों को भी उसी तरीके से ग्रेटफुल रहना सिखाना है। देखो, हमेशा ना समझाने से काम नहीं चलता है डियर। जैसे कोई फ्रेंड है, आप उसे बार बार समझा रहे हो, वो बार बार परेशान है, तो हमेशा समझाने से सारी चीज़ें जो है वो ठीक नहीं होती। कभी कभी उन्हें हील करने के लिए उन्हें कहना पड़ता है कि तुम मेडिटेशन करो, तुम योगा करना शुरू करो, तुम वॉक करना शुरू करो, तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुम इसे इस तरीके से क्योर कर सकते हो, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उसी वे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्शन लेने हैं, प्रेयर्स यहाँ पे करनी है आप लोगों को, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुल, ये आपके लिए कुछ कुछ कीवर्ड्स रहने वाले हैं। जितना आप ग्रेटफुल रहोगे, जितना आप यूनिवर्स को हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करोगे, धन्यवाद अदा करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा।
अपने गोल्स की तरफ फोकस रहें, बहुत काम आप लोगों को करना है। समटाइम्स आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट भी हो जाते होंगे, लेकिन अपना ध्यान रखना है। इसके साथ यहाँ पर अगर बात करूँ तो माँ सरस्वती की एनर्जी है विजडम के साथ, कि इस जन्म में, इस बर्थ में कहीं ना कहीं बहुत सारा ज्ञान आप लोग अर्जित करोगे। मतलब अगर देखा जाए ना, तो ये वाली आपका जो बर्थ है, ये जो आपने इनकार्नेशन है, ये जो जन्म है आप लोगों का, बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ समझोगे। एक पूरी जर्नी होगी आप लोगों की लाइफ की, जहाँ पे गिर भी रहे हो, उठ भी रहे हो, संभल भी रहे हो, फिर आगे भी बढ़ रहे हो, फिर ऊंचाइयों पर भी पहुंच रहे हो, बहुत कुछ अचीव भी कर रहे हो, नेम फेम भी मिल रहा है, प्यार भी है, पैसा भी, ना वो सब कुछ इकट्ठा करना। लेकिन हमेशा सब कुछ हो ये ज़रूरी नहीं है, है ना? तो चीज़ों में एक बैलेंस यहाँ पे आप लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। और देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं। ऑप्शन टू, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत रहेंगी, तो स्ट्रांग तो बने रहना पड़ेगा। तो खुद को स्ट्रांग बनाएं और खुद को ये एफर्मेशन आप लोग ज़रूर दिया करें, आई एम स्ट्रांग, आई एम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग। और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आप लोगों को रखना है। आप लोगों के लिए अगर मैं क्रिस्टल्स भी बात करूँ, मुझे बहुत सारे क्रिस्टल्स आप लोगों के लिए चैनल हो रहे हैं। टाइगर्स आई क्रिस्टल जो है, टाइगर्स आई का ब्रेसलेट, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरे पास है भी है फिलहाल, अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये है टाइगर्स आई का ब्रेसलेट, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस, वो स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड करेगा, आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा। कानोकोपिया का कार्ड है, नंबर 11 है यहाँ पे। सो देखो यहाँ पे भी नंबर 50 है, यहाँ पे भी नंबर 50 है, 51 भी है, 51 भी है, 555, 515, 505, ये कुछ एंजल नंबर्स आप लोगों को हो सकता है फ्रिक्वेंटली आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान आपको दिखें। अबंडेंस मिलेगी आपको, खुशियाँ मिलेंगी आप लोगों को। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते चले जाइए। हीलर ऑफ द एजेस का यहाँ पे कार्ड है, खुद को हील करिए। सबसे पहले अगर शुरुआत करनी है हीलिंग की, तो वो खुद से करनी है, अपने आप को हील करने से करनी है। सबसे पहले अपने आप को हील करिए आप लोग। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत जल्द हो सकता है किसी हीलर से आप लोग कनेक्ट करें, आप किसी तरीके से हीलिंग की कोई मोडालिटी सीखें, खुद को हील करना सीखें, फिर आप धीरे धीरे अपनी फैमिली मेम्बर्स को हील करें। कुछ लोग के लिए मुझे ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऑप्शन टू, यस। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, ओके। डांस विद लाइफ, बहुत ही अच्छा यहाँ पे ब्यूटीफुल मैसेज है आप लोगों के लिए, कि जो आपका पर्पस है ना, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, आप लोग परेशान हो रहे हो, लेकिन आप लोग ऑलरेडी आपके पर्पस को फॉलो कर रहे हो। सो यहाँ पे कहा जा रहा है स्टॉप ओवर थिंकिंग, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना बंद करें। परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स तो देखो हर किसी की लाइफ में चलती ही रहती हैं, उनसे आगे बढ़ना है। एंड रिसेंटली मैंने कल ही शायद ये रीडिंग भी डाली थी, कि आप लोग की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ क्यों हैं, उनका सोल्यूशन क्या है। आप लोग चाहो तो वो रीडिंग देख सकते हो, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आई बटन पे भी डाल दूंगी, आप लोग उस रीडिंग को देख सकते हो। डांस विद लाइफ का यहाँ पे कार्ड है, तो मैसेज ये है कि अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखो, अपनी लाइफ को जीना सीखो, अपने हर मोमेंट को, अपने हर पल को जीना सीखो, क्योंकि एक दिन ये पास्ट बन जाएगा, फिर ये गुजर गया तो फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगा। तो जो है जैसा है उसमें ही खुश रहकर आगे बढ़ो, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ से और देख लेते हैं, लास्ट ऑप्शन टू आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या है पर्पस, क्या है गाइडेंस। ऑप्शन टू, इन विजडम, अगेन यहाँ पे विजडम का कार्ड है, यहाँ पे भी विजडम का कार्ड था। बहुत नॉलेज होगी इस लाइफ टाइम में, ये वाला जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज विजडम भाई ये भर भर के है। यस, देखो जो इंसान जैसा करता है ना वैसा ही बढ़ता है, ठीक है, ये एक फंडामेंटल रूल है इस दुनिया का। ठीक है, जैसा बीज बोओगे वैसी फसल काटोगे। तो ये मैसेज आप लोगों के लिए कि समटाइम्स आप ऊबते होंगे, समटाइम्स आपको लगता होगा मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है, मुझे ही क्यों इतना काम करना पड़ रहा है, और देखो मेरे भाई बहन है, ये है, वो है, वो मज़े कर रहे हैं, ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है, बहुत सारी नेगेटिविटी मन में आती होगी। सो डोंट वरी, जो आप कर रहे हो कल वो आपको एज ए गिफ्ट मिलेगा, मे बी इन अनदर अनदर लाइफ टाइम। तो
कुछ भी हो सकता है ऑप्शन टू, बस यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फिलहाल पॉजिटिव रहो, अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी का यहाँ पे कार्ड है, अपनी लाइफ में आप लोग बहुत आगे जाओगे, बहुत कुछ अचीव करोगे, बहुत कुछ आप लोगों को मिलेगा, नेम फेम और सबसे ज़्यादा जो है वो रिस्पेक्ट। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका एग्जाम्पल जैसे दूसरे लोगों को दिया जाएगा, आप बहुत सारे लोगों के इंस्पिरेशन बनोगे। गार्जियन यहाँ पे कार्ड है कि आप भी प्रोटेक्टेड हो, आप भी सेफ हो, आपके जो भी लव वंस हैं वो भी यहाँ पे सेफ हैं, किसी भी तरीके की निगेटिविटी जो है वो आप लोग को अपने मन में नहीं रखनी है। इन्फिनिट सप्लाई का यहाँ पे कार्ड है, तो मैसेज ये है कि आपकी लाइफ में हमेशा आपके जीवन में एक बरकत जो है ना वो बनी रहेगी, खुशियाँ आती रहेंगी, बस खुश रहिए और ओवर थिंकिंग से बचिए। ठीक है, ऑप्शन टू। सो ये है आप लोग की रीडिंग, आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे से ज़रूर शेयर करिएगा, अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, दोनों की ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए बाय।